सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको कुर्ते में जिप लगाना बताएंगे, इनविजिबल जिप। तो इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही है कि आपने जो बॉडी पार्ट में, तो ऊपर से जैसे अलग बॉडी होती है यहां तक, उसमें तो मैंने जिप लगाना बताया इनविजिबल वाली, लेकिन जब कुर्ते में लगाती हैं तो यहां से नीचे वाला एरिया हमारा सेट नहीं होता कि एंड हमारा कैसे सेट होगा। तो मैं आज आपको कुर्ते में जिप लगाने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये जिप ली है जो कंसील्ड जिप होती है। ये देखिए, यहां से हमारा दिख नहीं रहा है, ये जिप का जो ये वाला हिस्सा उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है। तो ये मैंने कंसील्ड जिप ली है। तो इसके लिए मैंने ये बैक का गला कट कर लिया है, जितना भी हमें गला चाहिए। इसके लिए मैंने ये गले में पीछे निशान बनाया है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। जिप यहाँ से हमने 13 इंच में लगानी है, तो 13 इंच का मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हम यहाँ पे जिप रख के देखेंगे, 1.5 इंच जिप हम ऊपर छोड़ देंगे, बाकी का हम यहाँ देखेंगे कि हमारी जिप कहाँ तक आ रही है। यहाँ तक हमारी जिप आ रही है, तो इतनी जिप हम एक्स्ट्रा रख के बाकी की जिप हम कट कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारी जो ये मशीन का जो फुट है, इसको हमने चेंज करना है। ये सिंपल फुट है, तो ये देखिए, ये डबल वन साइड फुट होते हैं, तो आपने ये वाला यूज़ करना है। तो इसके लिए आप कोई भी साइड का फुट लगा लें, अगर आपको ये लेफ्ट राइट जो भी आपके हाथ में ठीक आएगा, आपने इसको खोल के इसे सेट कर लेना है। और अब सबसे पहले इस तरह की एक पट्टी कट कर लें आप, ये मैंने एक 1.25 इंच की पट्टी कट की है। इसे अब हम इस तरह जिप में पहले अटैच करेंगे, क्योंकि ये देखिए जो ये जिप है, ये इस तरह झोल खा जाएगी। अगर इसके साइड में हम कपड़ा अटैच कर देंगे तो ये अच्छी तरह सेट आएगी। इस तरह अब हमने इसे रखना है और स्टिच कर देना है इसके ऊपर। इसके अंदर हम जिप डालेंगे और ये देख लेना, आपने ध्यान रखना है कि ये जो हमारे ये वाला एरिया है, इसके ऊपर ना आए कपड़ा, इसके पीछे पीछे आए। अब ये देखो, ये जो जिप है हमारी, जो ये हमारा सेंटर का पार्ट है, ये हमारा दिखना चाहिए, और जो ये हमारा कपड़ा है वो इस साइड ही लगना चाहिए, इसके ऊपर ना आए। अगर इसके ऊपर कपड़ा आ जाएगा तो हमारी जिप खुलने और बंद होने में तंग करेगी हमें। तो आपने ये बड़े ध्यान से लगानी है ये वाली पट्टी। अगर ये पट्टी आप नहीं लगाते तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इस पट्टी को लगाने से आपकी जिप की ग्रिप अच्छी आ जाएगी। अब आपने दूसरी साइड भी इसी तरह कपड़ा लगा लेना है। ये एंड आ गया दूसरे हिस्से का, तो अब हमने इस कपड़े को इस साइड भी घुमा देना, नीचे वाली साइड, क्योंकि जब हम जिप लगाएंगे तो नीचे से ये हमारे कुर्ते में, नीचे से हमारी पीठ पे चुभे ना, इसलिए हमने इसको इस तरह बंद कर दिया। इस कपड़े को आपने अच्छी तरह बंद कर देना इस तरह। अब ये हमारी जिप इस तरह हो गई है। अब हम इसे आपको कुर्ते में लगाना बताएंगे। पहले हम कुर्ते को सेंटर से कट कर लेंगे, जितना हमने जिप लगानी है, हमने 13 इंच जिप लगानी है, तो 13 इंच का ये मेरा निशान लगा हुआ है, यहां तक हम इसे कट कर लेंगे। हमने यहां तक इसको कट कर लिया है और जिप को अब हमने खोल लिया है। जिप खोलने के बाद ये देखिए, ये हमारी सीधी उल्टी साइड है, ये हमारी सीधी साइड है। अब हमने उल्टी साइड का इस तरह देखना है, उल्टी साइड का एक हिस्सा इस साइड रखना है, ऐसे रखेंगे हम। इस तरह रख के 1 इंच तो हम ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमने एक्स्ट्रा रखा था, 1.5 इंच आपने जितना भी रखा होगा उतना छोड़ दीजिए आप। यहां से अब हमने नीचे का मार्जिन ज्यादा नहीं लेना, आपने थोड़ा थोड़ा लेना है, बस आपने 2.2 सेंटी का ही लेना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लोगे फिर ये कपड़ा इधर कम हो जाएगा थोड़ा। अब आपने यहाँ पे जिप के ऊपर नीचे लानी मशीन, अब आपने जिप को इस तरह खोल लेना है, ये आपको मैं दिखा रही हूँ अच्छी तरह, जिप को आपने अच्छी तरह खोल लेना है और ये जिप इस तरह खुल जाएगी। ये देखो, ये इस तरह है, तो ये इस तरह खुल जाएगी और बिल्कुल आपने यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए जिप इस तरह थी,
मैंने इसको फिंगर से इस तरह हाथ डाला, फिंगर डाली इस तरह, तो ये खुल गया। अब आपने इसके बिल्कुल अंदर तक सिलाई लगानी है, बाहर की तरफ नहीं लगानी, नहीं तो ये इनविजिबल नहीं रहेगी, ये नॉर्मल जिप बन जाएगी। अब आपने नीचे के कपड़े का भी ध्यान रखना है, कहीं इस साइड ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा ही रखना है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, जब हम इसको इस तरह टर्न करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, ये हमारी जिप नहीं दिखेगी। ये देखिए, ये हमारी इस तरह सिलाई ऊपर आ जाएगी। ये सीमलेस जिप भी बोलते हैं इसको, और इसे हम इनविजिबल जिप भी बोलते हैं। नीचे के कपड़े का आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये वाला कपड़ा हमारा ज़्यादा ना आए, और जब यहाँ पे हम किनारे पे आ रहे हैं तो हमने बिल्कुल कपड़ा कम कर देना है, बहुत ही कम लेना है, बस इतना लेना है कि सिलाई में आ जाए और ना कि हमारा एक्स्ट्रा जाए, बस थोड़ा थोड़ा लेना है आपने। बस यहाँ तक हमारा कपड़ा है, ख़त्म हो गया। अब हमने इसको सिलाई को यहाँ से उठा देना है। अब हम दूसरी साइड भी जिप इसी तरह अटैच करेंगे। अब हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है, जितना हमने यहाँ पे ऊपर जिप का हिस्सा छोड़ा था उतना ही हम यहाँ पे छोड़ेंगे। ये उल्टी साइड हम जिप की ऊपर रखेंगे, ये देखो उल्टी साइड हमने ऊपर रखी थी, इधर भी उल्टी रखेंगे, और यहाँ से अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। और कपड़े का नीचे से आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, उस चीज़ का मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आपने ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना नीचे। जिप को आपने इस तरह रखना है, पहले रखने के बाद आपने इस तरह इसको खोल लेना है जिप को, और ऐसे ही ये सीधी सिलाई लगा देनी है। अब देखिए ये लास्ट में आ गया है हमारा, यहाँ पे अब हम यहाँ तक स्टिच कर देंगे इसको, बिल्कुल जिप को खोल के अच्छी तरह, बस यहाँ तक सिलेंगे और इस धागे को हम यहाँ से हटा देंगे। और अब क्या करेंगे, जो ये जिपर है इसको हम इस तरह पलटी कर देंगे, ये हमारा इस तरह आ जाएगा, और जिप को हम अंदर की तरफ घुमा लेंगे। ये हमने जिप इस तरह अटैच कर दी है, जिप अटैच करने के बाद अब हमने इसे अंदर की तरफ इस तरह घुमाना है। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये किनारा बनेगा इस तरह, तो इस जिपर को अब हमने ऊपर की तरफ चलाना है ये उल्टी साइड से। अब आपको मैं ये देखिए उल्टी साइड से हम जिपर को ऊपर की तरफ चलाएंगे, ये कुंडी को हम अपनी तरफ खींच लेंगे, अपनी तरफ खींच के, और ये देखिए अब जिप सीधी साइड हो गई है, ये हमारा उल्टी साइड हो गया। ये देखिए ये हमारी इनविजिबल जिप लगकर रेडी हो गई है। और देखिए नीचे से भी हमारा ये कॉर्नर बन गया। अगर आपको यहाँ पे कुछ लग रहा है थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हो, नहीं तो आप इसे प्रेस करोगे, जिस टाइम प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल अपने आप ओके हो जाएगा, यहाँ पे कोई इस तरह प्रेशर। देखिए ये देखिए इनविजिबल जिप हमारी लगकर बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।